दोस्तों टी आर हिंदी का हाईलाइट चैनल टी आर एस क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है सीखिए एंजॉय कीजिए एक YouTube ओरिएंटेड सवाल है शायद मैं आपको तब भी पूछता अगर हम पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते ये मैं बिल्कुल एक कॉन्ट्रोवर्शियल परस्पेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ आंसर डोंट जो नॉन गेमिंग कम्युनिटी है यूट्यूब को लेकर क्यूरियस है गेमिंग कम्युनिटी को लेकर ठीक hmm. है कि क्या हो रहा है वहां और बहुत सारे लोग समझते नहीं पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं मान लो गेमिंग कम्युनिटी से कोई मिला आ, या उसके एसोसिएटेड कोई मिला तो हमेशा एक ही एंगल रहता है कि यार गेमर्स के बीच ना बहुत कंपटीशन होता है बिकॉज आपका नेचर ही कम्पिटेटिव है एज गेमर्स एक स्पेशली अगर ई e एथलीट बनना है तो आप कम्पिटेटिव होना ही पड़ेगा हाँ। पर कभी कभी वो कॉम्पिटिशन थोड़ी सी जेलेसी में बदल जाती है या एक नेगेटिव वाई में बदल जाती है मैं आपसे ये नहीं पूछता हूँ कि ये जेलेसी क्यों है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सच है कि नहीं देखो आई फील जेलेसी इज समथिंग जो आपके कंट्रोल में है नहीं या फिर आप किसी का जेलेसी कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो उसके मेंटल स्टेट में क्योंकि मैं हर हाँ टाइम ये मानता हूँ कि मेरे थाली की रोटी कोई अगर नहीं छीन रहा है तो मुझे जेलेस होने की मतलब नहीं है मेरे थाली में तीन रोटी है आपके थाली में छह रोटी है तो मुझे यह सोचना है कि मैं और तीन रोटी कैसे कमाऊं जो आप कमा रहे हो मुझे यह नहीं सोचना कि भाई तेरे पे पे क्यों क्यों मेरे है मैं तेरी दो रोटी ले लेता हूं यह होती है यह हर फील्ड में आई yes, गेस हर फील्ड में कोई दिखाता कोई नहीं दिखाता हर फील्ड में जलेसी ऐसा है ना कि एग्जिस्ट करेगी ही करेगी आप उसको बंद नहीं कर सकते ह्यूमन डेंड

से चल रहा है, गेमर्स है है है, है, में में बहुत बहुत सारे लोग लोग हैं, हैं, उसमें भी, कोई कोई दिखाता नहीं, कोई बोलता नहीं, बोलता आपको इन जनरल पता है? है। तो आई आता जहाँ पे क्वान्टिटी ज्यादा है कम लोग में जेलिस क्यों ही होना है ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडस्ट्री में ज्यादा है क्वांटिटी वहाँ जेलेसी है कभी मुंह पे किसी ने कहा है कुछ आपको यार ऐसे एस, तो बुरी नज़र दिया वोकली बुरी नज़र दिया यार ऐसे ऐसे कोई किसको मीन नहीं करता पता गुस्से में पता है मैं बोलता हूँ मेरे को कोई गाली है ना गुस्से में मैं उसको कभी दिल पर नहीं लेता पता है गुस्सा कल उठ कल का उठ के साथ में चाय पीना है mm. कल के उठ के साथ में अगर टूर्नामेंट में बैठ के बातचीत करनी है मेरी हुई है गेमिंग बहुत बार हुई है बसड़ बट वही चीज़ दो महीने बाद साथ में बैठ के घूम रहे होते हैं पहले का जो स्काउट था पहले का जो तन्मय सिंह था वो दिल पर ले लेता होगा पर ये तीन चार साल में ये चीज़ सीख लिया भाई ये चीज़ आदमी गुस्से में बोल रहा है क्योंकि मीन नहीं कर रहा है मीन जब करता है ना आदमी आदमी गुस्से में नहीं बोलता है और सीधा कामली बोलता है तब तो आदमी को समझ समझा भाई वो सही में उसको बुरा लग गया आपके हेटर्स यू विल नेवर फाइंड अ हेटर हु इज डूंग बेटर देन यू इन योर लाइफ आपको कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा होगा ना कभी आपसे ऊपर नहीं होगा ये फैक्ट है और जो आपको क्रिटिसाइज करेगा ना कभी क्रिटिसाइज तो आपको सजेशन देगा कि आप ये बेटर कर रहे हो आप ये गलत कर रहे हो या बेटर कर सकते हो और जो आपको बोला नहीं तू ये गलत कर रहा है तू तू गलत है आपसे कभी लाइफ में बेटर नहीं कर रहा है ये, ये मे, मेरे में तो हुआ है। कोई, मतलब जो मेरे को सजेशन देता है रास्ता भी बताता है रास्ता जो नहीं बता रहा है ना वो आपसे कभी अच्छा नहीं कर रहा है, का बताने वाले लोग आप, आप कर रहा है। मैं ये मानता हूं जो मेरे को बता रहा है ना भाई को ये करना चाहिए मतलब वो मेरे से ऊपर है इसलिए मेरे को बता पा रहा है वो एक्सपीरियंस कर चुका है सब चीजें तो मेरे को सिखा रहा है कि भाई तू ये गलत कर रहा है यार डिसिप्लिन इज अ वेरी मेजर रोल सब गेमिंग के ब्रूस लिए होते हैं नहीं यार मतलब पता है सब लोग बहुत काम है मैंने मतलब मेरे बगल में वर्ल्ड की चैम बेस्ट टीम बैठी बेट, थी उस टाइम पे कि हम लोग उतरते ही मर गए थे सोलह नंबर पे आउट हो गए थे उस मैच में पता है क्या है कि हम लोग फोन रखते हंसी मजाक कर रहे हैं हम लोग होते भाई क्या कर दिया कैसे करेंगे अब प्रेशर आ जाता एक दूसरे को भर रहे होते हैं उन लोग हंस रहे थे मतलब वो चीज़ देख के मेरे को स्ट्राइक किया कि ये क्यों क्यों ऐसा बट एक नॉर्मल बंदा अगर खराब खेलेगा तो उसको गुस्सा आएगा इन लोग वर्ल्ड के सबसे सब बड़े स्टेज पे एक मैच में लास्ट मरे सबसे पहले मर गए मतलब लास्ट पोजीशन आए जीरो पॉइंट आया रख के स्माइल कर रहे हंस है, रहे हैं कैसे मतलब ऐसा कंपोजर ऐसा कामनेस क्यों है तो बाद में जब मैंने ऐसे रियलाइज किया कि इनका जो रूटीन है इन लोग एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं जो इनके लाइफ में वो चीज लेके आता है कि इस टाइम पे उठना है आप नोटिस किए गए जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स होते हैं उन लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते एथलीट उन लोग लॉन्ग लास्ट नहीं करते हैं। वो डिसिप्लिन एक ले आता कंपोजर की ज़्यादा खुश नहीं होना है ज़्यादा दुखी नहीं होना है ये सब चीज़ सिखाता है तो डिसिप्लिन इंडिया में लैक करता है इंक्लूडिंग में कि अब जैसे अगर आप, आपने फिटनेस की लाइफ फॉलो की मैंने भी फिटनेस लाइफ फॉलो अब मैं बहुत अनफिट हूँ मैं भी फ्यूचर हो बहुत फिट हो जाऊँगा बट फिटनेस हम तब अपने पिक पिक फिजिक में होते हैं जो हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं जिस दिन मन भी नहीं कर रहा उस दिन भी उठ के वर्कआउट करना है जिस दिन मीट मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है उस दिन भी हम लोग नहीं यार अपन अपना डाइट जो है वो फॉलो कर रहे वही प्रोटीन खा रहे हैं वही राइस खा रहे हैं वही चीज़ खा रहे हैं प्रॉपर जो हमने रूटीन बनाया है तो आई फिल वो चीज़ जब फॉलो करता ना आदमी तब कम्पोज आता है अब नोटिस करें जो लोग जितने भी एक्चुअल एथलीट्स होते हैं उन लोग बहुत काम एंड कम्पोज रहते हैं और कभी आपने कोई फाइटर को किसी बार फाइट से किसी लड़ाई में नहीं देखा होगा उनकी बात करने का तरीका आप नोटिस करना बहुत सहम के बात करते हैं धीरे बात करते हैं बट उनका स्पोर्ट क्या है ब्लड खून खराबा मार धाड़ सबसे एग्रेश, एग्रेशन वाला स्पोर्ट है वो बट रियलिटी में कैसे होता उन लोग एकदम शांत तो ये चीज़ मैंने देखा ये दो ट्रांजिशन आदमी स्पोर्ट में अपने एकदम गंदे फॉर्म में है किसको मार देना किसी को स्पोर्ट्स से बाहर निकलते ही सबसे स्वीट सबसे शांत बंदा है ये उन कैसे कर पाते हैं एक फाइटर ये स्विच ऑन ऑफ क्यों करता है ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी जो हर स्पोर्ट में काम आता है उनसे बात करी कभी चांस नहीं मिला किसी फाइटर से बात करने की बट चाइनीज 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 प्लेयर्स यस मैंने बात करी है तो मैंने तब जाके एक्चुअली मैंने मूवी में देखी थी ऐसे ट्रांसलेटर चीज़ होती है तो उन्होंने पहली बार देखा उन लोग सामान समान पकड़े मैं कुछ बोल रहा हूँ वो ट्रांसलेट कर रहा था उन लोग कुछ बोल रहे हो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर तो मैंने पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी देखी तो हम लोग ऐसी बातचीत करते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त है वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे तो उन लोग ने वही बोला कि उन लोगों को उन लोग कभी खुश नहीं होते हैं इतना या ओवर एक्साइट नहीं होते हैं उन लोग जीतने के बाद ऑब्वियसली खुश होते हैं बट उन लोग कभी खराब होने से दुखी भी नहीं होते हैं ठीक है ना खराब दिन गया ना अगले दिन करेंगे अच्छा वो इमोशन पे जो कंट्रोल है ना मेरे पे भी नहीं यार टू बी ऑनेस्ट मैं अगर टूर्नामेंट आज हारूंगा तो मेरे को अंदर वो खाएगा कि यार क्यों खराब क्यों उन लोगों को नहीं करता है वो बट एज के साथ वो फीलिंग कम हो रही है कम हो रही है बट उस लेवल का कंट्रोल नहीं इमोशंस से आई स्टिल फील कि मेरे को गुस्सा देखो अगर मेरे को गुस्सा अभी भी जल्दी आ रहा है मतलब इमोशन से कंट्रोल नहीं है अगर मैं मेडिटेशन आज भी दस मिनट नहीं कर पा रहा हूँ मतलब दिमाग में कंट्रोल है नहीं तो वो चीज़ मैं सोचता कि अब अगर मैं अभी जो हफ्ते में एक दो बार कर देता हूँ अगर मैं सात के सात दिन मेडिटेशन करूँ तो मैं भी मेरे दिमाग पे मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल आए आई थिंक होता ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ और जनरली दोस्तों के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ वही है क्योंकि डिसिप्लिन एक चीज़ है ना बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में बहुत ज़्यादा हर फील्ड में डिसिप्लिन मैटर करता है एंड मेरे अंदर अभी तक उस लेवल के डिसिप्लिन है नहीं क्योंकि अगर वो लेवल की डिसिप्लिन हो मैं रोज़ सोचता हूँ कि अब मैं फिट हो जाऊँगा मैं फिट हो गया होता बाकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है क्या ये गवर्नमेंट सपोर्ट भी है बट अपनी गवर्नमेंट अभी बहुत सपोर्ट कर रही है बट वो ये कि उन ऑब्वियसली उधर गेम जल्दी आया था तो गवर्नमेंट ने जल्दी सपोर्ट किया हमारे इधर गेम लेट आया तो गवर्नमेंट ने लेट सपोर्ट किया हमारी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है अभी तो मतलब पहले स्पोर्ट्स को ऐसे ई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं मानते थे पहले गेमर मान गेम टाइम पास कर रहा है मतलब पहले हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे तो मैं एयरपोर्ट जब आता था तो उन लोग पूछते थे ना कि क्यों जा रहे हो भाई मैं मैं बोलता हूँ पबजी मोबाइल टूर्नामेंट है वो पबजी वाला है गेम खेलने जा रहे ऐसा एक लुक डाउन करते थे कि अब गेम खेल रहा है अब वो नहीं है ओह यू आर गेमर ऐसा सीधा गेमर टर्म मिलता अब तो अब अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमें कंसिडर किया जा रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए